क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिलके बना है, क्वाड और लेटरल। क्वाड मीन्स फोर, लेटरल मीन्स आपके हो गए साइड एंड एंगल। जिसकी फोर साइड और फोर एंगल हो वो क्वाड्रिलेटरल। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल शो किया है, चार साइड है, ए बी बी सी सी डी डी ए, चार एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ। अब सर्किल, सर्किल इज अ क्लोज शेप, सिंपल क्लोज शेप, इट इज सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन। बहुत सारे पॉइंट है बराबर बराबर दूरी पे, ये एक प्लेन में आपके इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट, इनको जोड़ के जो फिगर बन रहा है आपका, जो शेप बन रहा है ना, वो सर्किल कहलाता है। देखो इस तरह से फिर फाइनली बन जाएगा। इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट्स है, वो गिवन पॉइंट क्या होता है, ये सेंटर, सेंटर ऑफ सर्किल, इससे बराबर बराबर दूरी पे होंगे ये सारे पॉइंट। ओके, जितने भी पॉइंट है इससे बराबर बराबर दूरी पे होंगे, ये सर्किल कहलाता है। अब वो पॉइंट जिससे ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हैं वो सेंटर कहलाता है। द सेंटर ऑफ सर्किल इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट। इससे सारे पॉइंट एक बराबर दूरी पे हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये सारे पॉइंटों से बराबर दूरी पे हैं, तो ये सेंटर कहलाता है, केंद्र कहलाता है किसी भी सर्किल का, किसी भी वृत्त का। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये सेंटर है। ओके, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इज एनी लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू इट्स बाउंड्री। ये सेंटर से इस बाउंड्री तक, जैसे यहाँ पे OA, OB, OC, OD, ये सारी रेडियस है। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से आपके किसी बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट है ना, उसके डिस्टेंस को शो करे, वो कहलाती है रेडियस। सेंटर से बाउंड्री पे कोई पॉइंट है उसको है ना, उस डिस्टेंस को शो करने वाली लाइन सेगमेंट आपकी रेडियस। हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या। डायमीटर, सेंटर से पास होने वाली वो लाइन जो सर्किल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, वो लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास हो और उसके दो पॉइंटों को ज्वाइन करे, वो डायमीटर कहलाती है आपके। तो लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड हुज एंड पॉइंट ज्वाइन द बाउंड्री ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। सर्किल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, इन अनंत आपके व्यास हो सकते हैं, डायमीटर हो सकते हैं, और सबकी लेंथ एक जैसी होगी। जैसे रेडियस में सबकी लेंथ इक्वल होती है ना, ऐसे डायमीटर जितने भी बनेंगे उन सबकी लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। सर्कमफेरेंस, ये बाउंड्री जिस पर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल इज है ना, इस कॉल इट सर्कमफेरेंस। ये सेंटर के आसपास जितने पॉइंट्स थे ना, ये ज्वाइन करके जो आपकी बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, वही सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कहलाता है। परिधि अब है कॉर्ड, है ना, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्किल इज कॉल्ड। अब देखो, एक तो था सेंटर से पास होके दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा था, डायमीटर बोलते हैं, है ना। एक अब कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, ये कहीं से भी पास हो सकता है ना, लेकिन दो पॉइंट को ही ज्वाइन करेगा। जैसे ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, और डायमीटर खुद भी एक कॉर्ड होता है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होता है, डायमीटर। सबसे बड़ी है ना जो कॉर्ड होती है वो कौन होता है, आपका डायमीटर यानी व्यास। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। अब आर्क की बात करें, आर्क ऑफ अ सर्किल, ठीक है, अ पोर्शन ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। ये एक भाग, ठीक है, ये पी से लेके क्यू तक का जो पार्ट है ये आर्क है, और पी से क्यू तक का ये वाला पार्ट भी क्या है, एक आर्क है। अब ये दो टाइप के हो गए, देखो ये माइनर, ये छोटा, और ये मेजर। ओके, पी एक्स क्यू इज अ माइनर आर्क एंड पी वाई क्यू इज अ मेजर आर्क। तो चाप बोलते हैं हिंदी में आर्क को, है ना, दो टाइप के हो गए, लघु व दीर्घ, माइनर और मेजर। सेमी सर्कल, डायमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, वो कहलाते हैं आपके सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइड सर्किल इंटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। द सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ सर्किल, आधा पार्ट सर्किल का, विथ द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एज अ पार्ट ऑफ बाउंड्री। ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट है वो इसके बाउंड्री का पार्ट बन जाते हैं। देखिए ये डायमीटर है, इसके जो एंड पॉइंट है वो इसकी बाउंड्री का पार्ट है, ठीक है।
ये देखिए आपको शो किया गया है, ये डायमीटर सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, ये सेमी सर्कल कहलाएंगे, ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। अब सेगमेंट की बात करें, एरिया एनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। भाई एक आर्क और एक कॉर्ड, जो एरिया इसके यहाँ पे है ना एनक्लोज कर लिया वो कहलाता है सेगमेंट। ये भी दो होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये छोटा पार्ट, द सेगमेंट विच इज फॉर्म बाय आर्क लेस देन द सेमी सर्कल, वो आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी हो वो फॉर्म कर रही है अगर सेगमेंट, तो वो माइनर सेगमेंट होगा, और बाकी ये दूसरा जो बचा हुआ है वो क्या होगा, ग्रेटर पार्ट, वो क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेगमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। सेक्टर है त्रिज्या खंड, देखिए दो रेडियस और एक आर्क कोई एरिया आपका एनक्लोज करे वो कहलाता है सेक्टर, त्रिज्या खंड। ये भी दो होते हैं माइनर एंड मेजर, माइनर छोटा सेक्टर है ना, और मेजर जो बड़ा एरिया एनक्लोज करके बन रहा है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। ओके, सो पार्ट ऑफ सर्किल बाउंडेड बाय एनी टू रेडियस यानी एंड एन आर्क ऑफ इट, ऑफ इट का मतलब है सर्किल की, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्किल। स्मॉलर सेक्टर इज कॉल्ड माइनर एंड बिगर सेक्टर इज कॉल्ड मेजर। ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर। कंसेंट्रिक सर्किल, कॉमन पॉइंट हो, कॉमन सेंटर हो सर्किल का बट उनकी रेडियस डिफरेंट हो, सर्किल विद डिफरेंट रेडी बट हैव सेम सेंटर इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। सम केंद्रीय, एक जैसा ही केंद्र हो, एक जैसा ही सेंटर हो है ना, ये यही एक कॉमन सेंटर है ना, तो कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं वो।